आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। सलारा मोहल्ला पुलिस चौकी के बाहर 24 जून की रात को हुए हंगामे में नया मोड़ आ गया है। रविवार को सलारा मोहल्ला निवासियों ने एसपी आवास का घेराव किया और पुलिस कर्मियों पर ही निर्मम तरीके से मारपीट के आरोप लगाए। इस मामले में न्याय की मांग की गई है। इससे पहले ओल्ड सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन ने पुलिस कर्मचारी प्रदीप की शिकायत पर पुलिस कर्मियों से मारपीट मामले में पुलिस चौकी के पास रहने वाले सुल्तान और उसके तीन पुत्रों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी सुल्तान सिंह और उनके पुत्र दीपक ने एसपी आवास के बाहर साफ तौर पर कहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उनका पारिवारिक झगड़ा था और इस बारे में किसी प्रकार की पुलिस शिकायत नहीं की गई थी, लेकिन इसके बावजूद सिविल वर्दी में पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की है। वे तो पारिवारिक झगड़ा को निपटा रहे थे, लेकिन पुलिस कर्मी उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए और फिर वहां पर बेरहमी से पिटाई की। यही नहीं, पुलिसकर्मी घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी निकाल ले गए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद था। उधर पुलिसकर्मियों की पिटाई से घायल हुए सुल्तान के पुत्र को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि 24 जून की रात को सलारा मोहल्ला पुलिस चौकी के नजदीक रहने वाला सुल्तान और उनके तीन पुत्र झगड़ा कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस चौकी के कर्मचारी प्रदीप और आशीष से विवाद हो गया। बाद में पुलिस कर्मचारी प्रदीप की शिकायत पर सुल्तान और उसके पुत्र विकास, शंकर और दीपक के खिलाफ आईपीसी की धारा 160, 323, 186, 332, 353, 427, 34, 510 के तहत केस दर्ज किया गया था। सुल्तान और उसके तीन बेटों पर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट और हमला करने के आरोप लगाए गए हैं। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। हम बाहर खड़े थे, दोनों भाई, मेरा नाम शंकर है जी, मेरे बड़े भाई का नाम विकास है। तो हम दोनों भाई खड़े थे, हम वैसे बैठ रहे थे, तो हमारे पुलिस से कोई लेन देन नहीं था। हम बाहर खड़े तो हम थोड़ा झगड़ पड़े, तो मम्मी बाहर निकल के आ गई। मम्मी का मन घबरा गया, मम्मी चौक की तरफ जाके कुंडी कुड़का नहीं खोली उस टाइम, वो ड्रिंक कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मम्मी गिर गई बाइक के ऊपर, वहाँ बाइक खड़ी थी, जो उन्होंने गेट खोला ड्रिंक, वैसे जैसे ड्रिंक करके दो सिगल पट दिए बाहर आए, लाठी ले गई छा फुट की, तो उन्होंने ऊपर लाठी चा पुलिस वाले थे दो, एक प्रदीप था जी और एक और था जी कोई मनोज था जी, जो भी हम नाम नहीं जानते, प्रदीप जानते हैं। तो लाठी चार्ज कर दी, उनके पापा के ऊपर लाठी चार्ज करी, तो मैं बोला भाई पापा के ऊपर लाठी किस चीज़ जुर्म में तुमने चार्ज करी है? तो गाली गलौज देने लग गए जी, माँ बहन के देने लग गए, तो हम कुछ नहीं बोले। फिर उधर से और पीसीआर आ गए जी, एसएचओ वगैरह जो भी आए जी, उन्होंने हमारा गाड़ी वगैरह जी, हम गाड़ी में नहीं बैठ रहे थे, वो हमारा जुर्म बताओ क्या है। उन्होंने जी हमें धक्के मार मार के गाड़ी में गाड़ दे जी, हमें गाड़ी में जी इस तरह के गाड़ी में भी मारा, फिर थाने ले गए जी। थाने में हमें कुर्सी के साथ भगा भगा मारा है जी, वहाँ पर ग्लाद घुसे इतनी ड्रिंक। पुलिस एसएचओ थे जी, एसएचओ का जी नाम नहीं पता, ठीक है जी, वजय सिंह। तो जाके जी मनोज थे जी, प्रदीप था जी, और चार पांच जने मार से ही बिका गया। अभी मारने के बाद पापा को भी मारा, मेरे को कुर्सी रख के जी ऊपर बैठ के मारा, कोई हमें इतना बड़ा जुर्म तो किया नहीं था जी, कोई भी हमारे की गलती हो या कुछ भी हो फुटेज में है हमारे, ठीक है जी। उसके बाद मारने के बाद तो मार से क्या, भाई 4 लाख रुपये लगेंगे, और 4 लाख रुपये दे 4 साल की जेल होगी, फिर जमानत होगी तुम्हारी। डरा धमका जी हमारे पर मेडिकल ले आए जी, आग में घुस्से लात बहुत रहे, मैं बेरहमी से पिटा गया हमको, ये आग मेरी फोड़ दी से मुझे दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल। क्या चाहते हैं आप सरकार? मुझे न्याय चाहिए जी, उनको पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए या सख्त कार्रवाई करो जी, ठीक है जी। नाम दोबारा बताएं पुलिस वालों के। एक तो जी मनोज, प्रदीप, एक एस एच ओ का नाम वजय सिंह है जी, और मनोज कुमार है जी, और अन्य और भी है जी, वहाँ 8-9 जने थे, 9 जनों ने हमको मारा है जी कुर्सी पे, प्लास्टिक की कुर्सी तक। गुंडा जो गुंडागर्दी होती है दारू पे के, वो हमारे साथ करिए, कोई हमने इतना बड़ा जुर्म नहीं करा हमारा, जो वो आपसे हमारा घर का भाई भाई का बैठा था, तो हम वही हमारा बात करे ना जी। फिर घर पे हम 26 तारीख को हम जमात हमारी हुई जी, 26 को हम 4 बजे आए जी, घर से फुटेज, घर वाले बच्चे रोन लग गए जी, छोटे छोटे बच्चे हैं जी मेरे, तो भतीजा है जी, भतीजी जो हमारे बच्चे रोन लग गए जी, वहाँ क्या बात हुई बेटा। फिर थोड़ी मेरी वाइफ घबराई हुई थी, उसने बताया, मतलब पुलिस वाले आए थे, मतलब किसी के सामने कुछ बोला तो उनकी 4 साल से पहले जमानत नहीं हो सकती किसी के में, गाली गलौज करके जी करके, तो वो क्या हमें हमारी वो उतार ले गए जी। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा न्याय मिले हमें जी। जी जी, क्या मामला है जो आप एसपी निवास का घेराव कर रहे हो? जनाब हमारे ऊपर कार्रवाई गलत करी हुई है, और ये हमारे जो बच्चे थे आपस में लड़ रहे थे घर के सामने, मेरे घर के सामने मेरी चौकी है, उसमें दो थे, एक गार्ड था एक पुलिस वाला था, वे सो रहे थे, हमारा छोड़ छुड़ा आपस में घर के सामने हो रहा था रोड पे ही, और चौकी रोड के पार है, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं था, कोई रोड़ा नहीं, हम अपने बच्चों को छुटा रहे थे, उन्होंने एक ना आके डंडा मारा,
सिविल वर्दी में कोई वर्दी नहीं पहन रहे थे और फिर वहाँ से उन्होंने पीसीआर बुला के एसएचओ को बुला के हमारे को उठवा के हमारे को बुरी तरह तोड़ा है जी। और हमारे पे झूठे मुकदमे लगाए, ना हमने उनकी कोई दरखास्त दी है, ना हमने अपने घर की कोई दरखास्त दी थी, कुछ नहीं किया था। मेरे बच्चों का मामला था, मैं और मेरी घरवाली दोनों हम छुटाने में लगे हुए थे। और जबकि पूरे लॉकडाउन में इनकी सेवा करी है, ये जरनेल सिंह भी को भी पता है, जरनेल सिंह से पूछो आप, ये जज के सामने भी उसने ये कहा जी बहुत सेवा करी थी इन्होंने लॉकडाउन में हमारी, हमारे साथ ये अन्याय मिला है जी। जो इतनी हालात से हम पीटे हैं जिसका कोई नहीं, उसमें से दो तीन दारू नहीं पी रखी थी, बाकी सारे धूत थे नशे में। पुलिस वाले यहाँ हमारे को वहाँ ले जाकर कुटा है जी, वहाँ अंदर अंदर अलग अलग कमरे में बाबू बेटो को बुरी तरह से एक जने पे आठ आठ आदमी लगे हैं जी, और हमारे पे मुकदमा बना दिया है जी। इन्होंने पुलिस वालों को मारे, ऐसे करा वैसे करा, हमारा कैमरा लगे हुए जी घर के अंदर, हमारा DVR तार के ले गए हैं 2:30 बजे रात को, कोई घर पे नहीं, बच्चों को धमकी दे के लेडीजों को, और वो उतार के ले गए, आज तक DVR मिला नहीं है जी, ठीक है। और उल्टा मुकदमा हमारे ऊपर गिर रखा है, हमारे पर 8 धारा इन्होंने अपनी लगा रखी जिससे हमारा कोई मतलब ही नहीं था, है हमारा मेडिकल करवाए, ये इन्होंने लिख रखी है कि शराब पी के इन्होंने बदतमीजी करी पुलिस को मारे, हमारा जन्म तक का वो करवाया जाए जी, रिक्वेस्ट है ये जी, हमारे को अन्याय मिल वो न्याय मिलना चाहिए जी। आपका नाम क्या जी? मैं सुल्तान हूँ जी, मेरा नाम सुल्तान है जी। आपके और आपके बेटे के साथ? मेरे चारों हम बाप बेटा चारों थे, फैमिली पंगा था हमारे, मैं एक बच्चा कभी हमने चारों ने नहीं पी थी, एक बच्चा किसी ने बुखार छिका गया वो शराब पी के आ गया रात को 11:30 बजे करीब, दूसरे लड़के ने उससे कही भैया कह कर आया तो नशे में था थोड़ा सा, उन्होंने गाड़ी दे दी दूसरे को और वो आपस में घुल पड़े, गदर मारते तो हम बाहर आए अपने बच्चों को छुटाने के लिए, यही मैटर था जी। उन्होंने दोनों ने बदतमीजी करके हमारे घर के सामने आके मार के आपके पूरे परिवार के आपके बेटों को आपको सबको उन्होंने चारों को गिरफ्तार और इतनी बुरी तरह से मारा जी, ऐसे कत्ल वाले को भी नहीं मारते, कोई मर्डर थोड़ी कर रखा था, ठीक है। आपका नाम बताइए? दीपक है जी, लड़का है जी मेरा, ये थोड़ी है वो पुलिस वाले तो टॉर्चर करेगा हमें, हैं उठा के ले गए गालियां दे के बोल रहे हैं मैं अयो कर दूंगा, मैं पूरी रात पिटूंगा, कोई मर्डर थोड़ी था जी, हैं ठीक है। और दूसरी बात, वो पुलिस वाले थे ठीक था, हमें क्या पता वो पुलिस वाले सिविल वर्दी में थे, वो फोटेज कैमरे की ली जाए हमारी, वो दी जाए उसमें सच्चाई पता लगेगा, ठीक है, क्लियर उसमें पता लग जाएगा। ये नहीं कि वहाँ से उठा गए माँ बाप को पिटो, बच्चों को पिटो, कोई मर्डर थोड़ी कर रखा, कोई क्राइम थोड़ी किया है, कोई दो नंबरी धंधा थोड़ी है, फैमिली मैटर ये नहीं है, चौकी घर के सामने है तो जब भी मर्जी आए उठा लिया, हमारा फैमिली मैटर है पहली बात, तो उनका कोई मतलब ही नहीं हमारे बीच में आने का, हमने उसके पास गए हुए तब तो बढ़िया लगे वो आते हुए, ठीक है ना, ये नहीं है जाए जी। उनके हाथ में कलम है तो भर दिया कुछ भी आपने, आप कोई मरता रहो अंदर जा गए, ठीक है, ये कलम की पावर है उसके पास तो इसलिए हो गया ये, ठीक है।